अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? से उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सो आमीन। आज जो है मैं चली गई थी, थोड़ी सी मुझे ग्रॉसरी करनी थी घर के लिए, किचन के लिए कुछ बनाना था, सालन बनाना था, फ्रूट चाट बनाना था, इस तरह जो है। तो आज मेरा कुछ इरादा बन गया था कि मैं जो है पालक और चिकन बना लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पालक और चिकन जो है। आप मेरी रेसिपी के साथ ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही अच्छा सादा सा सालन है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। तो बाहर का शोर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि आज जो है मैं बैठ के बाहर जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बाहर आपको पता है रोड है, और रोड के जो है गाड़ियों का बहुत ज़्यादा जो है आना जाना लगा रहता है, तो उसकी वजह से जो ज़्यादा शोर होता है। तो अब मैं आ गई हूँ उठ के अंदर, और साथ साथ जो है मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। और पालक जो है मैंने उबाल के पहले से फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो वो मैंने जो है उसे थोड़ा सा कूंडी में जो है थोड़ा सा कूट के बारीक कर लिया था। तो आप वैसे भी उबली हुई पालक डाल सकते हैं, या आप फ्रेश पालक लेके उससे बना सकते हैं। तो पालक के साथ इसमें जो है मैंने थोड़ी सी डाल दी थी, बिल्कुल अच्छी सी फ्रेश सी जो है मेथी डाल दी थी। मेथी के साथ क्या ही जायका इस सालन का बन गया था। ऊपर जो है धनिया और हरी मिर्च आपने डाल लेनी है, और थोड़ा सा कवर करके रख लेना है। तो ये ले जी, बाहर से मैं गाड़ियों के शोर से अंदर आई हूँ, तो अंदर जो है यहाँ पे कोई ठेले वाले आ गए हैं अब कुछ बेचने के लिए। क्या करे बंदा, कहाँ जाए कहाँ बैठ के वॉइस ओवर करे, कुछ समझ नहीं आता। तो चले, ये तो चले ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है, यहाँ वहाँ की आवाज़ें ये सब तो जो है अब सुनते हैं और सुननी पड़ेंगी, क्या करें। हाँ भाई, भिंडियाँ बेच रहे हैं ना बाहर जो है, मुझे लगता है सब्जी वाला ठेला आ गया और भिंडियाँ बेच रहे हैं। तो चलें जी, बातें रही एक तरफ, तो साथ साथ जो है यहाँ सालन तैयार हो गया था बहुत ही मज़ेदार। और फ्रूट थोड़ा सा जो है मैंने, जिसने रोज़ा था उसने फ्रूट चाट बनाया था, थोड़ा फ्रूट रह गया था, तो मैंने कहा चलें आज जो है खाने के साथ भी जो है थोड़ा सा चाट बना लेती हूँ। तो मेथी जो है आज कल आई हुई है, फिर ये जो है ख़त्म हो जाएगी। आपने मेथी लेनी है, उसे जो है अच्छा सा साफ करके सुखा लेना है, और बना लेनी है बहुत ही साफ़ सुथरी अपने घर की कसूरी मेथी बना लेनी है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। मैंने भी जो है मेथी ला के इन्हें साफ़ करके सुखा लिया था। और चलें जी, अब आएँ हमारे साथ, आप खा लें खाना। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।